टाटा एल्ट्रोस, इस कार की डिमांड डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है इंडियन मार्केट्स में भी एंड मेरे कमेंट सेक्शन में भी। मैं इस कार के पहले भी 2 वेरिएंट्स कवर कर चुकी हूँ, आप उनको भी अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा, उसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा। आज फिर से मैं अल्ट्रोस कवर करने आई हूँ, उसके 2 वेरिएंट्स XT एंड XZ कवर करने आई हूँ। क्या आपको XT बाय करना चाहिए या उसके ऊपर 60,000 और स्पेंड करके XZ बाय करना चाहिए, आइए देखते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है महक और स्वागत है आप सभी का हर गैरेज की एक और फ्रेश वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं अल्ट्रोस XT के फ्रंट पार्ट से। सबसे पहले तो हमें सेंटर में जो ग्रिल दी गई है उसके ऊपर हमें पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलती है, साथ ही में नीचे क्रोम की लाइनिंग भी दी गई है जो हेडलैम्प्स तक एक्सटेंड हो रही है और एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन क्रिएट कर रही है। जो हमारे हेडलैम्प्स हैं हमें यहाँ पे हेलोजन ऑफर किए गए हैं और जो फॉग लैम्प्स हैं वो भी हेलोजन है जिसमें DRLs भी ऑफर कर दिए गए हैं। बाकी लुक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये कार बहुत ही फ्यूचरिस्टिक से डिज़ाइन के साथ आती है और बहुत ही ब्रॉड लगती है क्योंकि ये अपने सेगमेंट में सबसे वाइडेस्ट कार है। बात करते हैं अल्ट्रोस XZ के फ्रंट पार्ट के बारे में, तो यहाँ पे हमें ड्यूल चैम्बर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दे दिए गए हैं जो कि ऑटोमेटिक है, साथ ही में हमें रेन सेंसिंग वाइपर भी ऑफर कर दिया गया है जिसका ब्लेड टाइप फ्लैट है। बाकी दोनों वेरिएंट्स में एज सच फ्रंट में कोई भी और डिफरेंस नहीं है, दोनों के अदर जो फीचर्स हैं वो सेम ही हैं। बात करते हैं अल्ट्रोस XT के साइड पार्ट के बारे में, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे फुल व्हील कैप्स ऑफर कर दिए गए हैं जो अच्छी बात है। इससे नीचे वाले जो वेरिएंट्स हैं उसमें आपको 14 इंच के टायर्स मिलते थे और इस वेरिएंट से आपको 16 इंच के टायर्स ऑफर कर दिए गए हैं, अगेन अ वेरी गुड थिंग। जो हमारा टायर सेक्शन है वो है 195/55R16 और हमें यहाँ पे ORVM पे पियानो ब्लैक फिनिश दे दी गई है, साथ ही में इस एरिया में भी कुछ ग्लॉसी फिनिश देखने को मिल जाती है। जो हमारा डोर हैंडल है उसके ऊपर आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी दिया गया है। रियर डोर की मैं अगर बात करूं तो हमारा रियर डोर हैंडल सी पिलर पे माउंटेड है, साथ ही में ये जो डोर है ये 90 डिग्री तक ओपन हो जाता है विच इज़ वेरी गुड थिंग और बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है। बाकी मैं लुक्स के बारे में अगर बात करूं तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल फील हो रही है और बहुत ही ज़्यादा स्पॉटी और फ्यूचरिस्टिक लग रही है। बात करते हैं अल्ट्रोस XZ के साइड पार्ट के बारे में, तो यहाँ पे हमें ड्यूल टोन लेज़र कट अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। साथ ही जो हमारा ORVM है उस पर आपको क्रोम इंसर्ट्स देखने को मिल जाएगा। इस सब के अलावा आपको साइड पार्ट पे कोई भी और डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अल्ट्रोस XT के रियर पार्ट के बारे में। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे LED टेल लैम्प्स दिए गए हैं और अगर आपने गौर किया हो तो इस एरिया से स्टार्ट होकर उस एरिया तक एंड तक आपको ग्लॉसी सी फिनिश देखने को मिलेगी जो दोनों ही टेल लैम्प्स को मर्ज कर रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन क्रिएट कर रही है। बाकी हमें यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं और यहाँ पे रियर पार्किंग कैमरा भी ऑफर कर दिया गया है। चलिए बूट एक्सेस करते हैं, तो बूट एक्सेस करने के लिए यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट सेंसर भी दे दिया गया है। यहाँ पे हमें 345 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है विच इज़ डिसेंट, आप इजीली अपना लगेज स्टोर कर सकते हैं, साथ ही एक पार्शल ट्रे भी ऑफर कर दी गई है। बात करूँ अल्ट्रोस XZ के रियर पार्ट के बारे में, तो यहाँ पे हमें रियर वाइपर एंड डिफॉगर का ऑप्शन मिल जाता है, इसी के साथ आपको नीचे भी फॉग लैम्प्स देखने को मिल जाते हैं। इन दो चेंजेस के अलावा रियर में आपको और कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते। बात करते हैं अल्ट्रोस XT के ड्राइवर साइड डोर के बारे में, तो इस एरिया में ऑल 4 पावर विंडोज़ है, ये ORVM के कंट्रोल्स है। जो हमारा डोर हैंडल है वो हमें ग्लॉसी सी फिनिश में देखने को मिलता है, नीचे कुछ स्टोरेज स्पेसेस मिल जाते हैं। ये हमारा ट्विटर है और नीचे हमारा स्पीकर देखने को मिल जाता है। अल्ट्रोस XZ के ड्राइवर साइड डोर के बारे में मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें मेटल सी फिनिश दी गई है, इसी के साथ जो हमारा डोर है सभी डोर्स पे हमें यहाँ पे सॉफ्ट टच फिनिश दे दी गई है। इंटीरियर्स के बात करें अल्ट्रोस XT के, तो देखते हैं हमें क्या कुछ ऑफर किया गया है। सबसे पहले मैं कंफर्ट के बारे में बात कर लूँगी, तो कंफर्ट में मुझे इस कार की कोई भी तरह का इशू नहीं लगा, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसकी सीट्स पे कुशन है और काफ़ी अच्छी कंफर्ट हमें मिल जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं ग्लव बॉक्स की, तो इसका ग्लव बॉक्स बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है और साथ में कूल ग्लव बॉक्स दिया गया है, 2 कप होल्डर्स भी हमें यहाँ पर दे दिए जाते हैं, बहुत ही अच्छा यहाँ पर हमें ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हमें ग्लॉसी सी फिनिश देखने को मिलती है। अच्छा, जो इससे नीचे वाले वेरिएंट्स हैं वहाँ पे हमें सिल्वर मैट फिनिश दी गई थी, बट यहाँ से हमें ग्लॉसी सी फिनिश दे दी जाती है। बाकी मटेरियल सिलेक्शन की मैं बात करूँ तो मटेरियल सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मुझे किसी भी तरह का कोई भी इशू नहीं है, कोई भी शिकायत नहीं लगी इसमें। यहाँ पे हमें 7 इंच का फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है विद एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो, जिसका टच रिस्पॉन्स काफ़ी फ्लूइड है और यहाँ पे हमें ऑटोमेटिक AC भी ऑफर कर दिया गया है जो बटन कंट्रोल्स के साथ आता है और इसके बटन कंट्रोल्स की क्वालिटी भी अच्छी हमें दी गई है।
जब ये अल्ट्रोज लॉन्च हुई थी उस टाइम पे जो एसी था वो हमें ऑटोमेटिक नहीं दिया गया था, बट अब हमें ऑटोमेटिक एसी ऑफर कर दिया गया है। इस एरिया में हमें कुछ स्टोरेज स्पेसेस देखने को मिलेंगे, यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर आउटलेट है, साथ में यहाँ पे भी कुछ स्टोरेज स्पेसेस है, ड्राइव मोड्स है और 2 कप होल्डर्स भी हमें यहाँ पे दे दिए गए हैं। यहाँ पे हमें फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलता है और इसका जो एक बहुत ही अच्छा फीचर है कि हमें इस वेरिएंट से क्रूज कंट्रोल्स भी ऑफर कर दिए गए हैं। तो बाकी जो मैं इंटीरियर और कैबिन के बारे में बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है और इस सेगमेंट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। XT वेरिएंट में हमें 10.16 सेंटीमीटर का इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर दिया गया है जो कि देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। अब बात कर लेते हैं अल्ट्रोज XZ के कैबिन की कि हमें यहाँ पे क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो हमें लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील दे दिया गया है, जो गियर नोब है वो भी लेदर रैप्ड है, सनग्लास होल्डर ऑफर कर दिया गया है और यहाँ पे हमें आर्मरेस्ट दिया गया है विद स्टोरेज स्पेसेस। इसी के साथ जो सीट्स है वो भी फैब्रिक की मिलती है, साथ ही में हमें यहाँ पे एम्बियंट लाइटनिंग भी देखने को मिल जाती है। इसी के साथ यहाँ पे हमारे चेंजेस ख़त्म होते हैं और अदर सच कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते। XZ वेरिएंट में हमें 17.78 सेंटीमीटर TFT डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर ऑफर किया गया है एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट इन दिस सेगमेंट एंड इसमें हमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन का भी फीचर मिल जाता है। बात करते हैं अल्ट्रोज XT के रियर कैबिन के बारे में। तो जो मेरी हाइट है वो 5'8" है और उसके अकॉर्डिंग मैंने ड्राइवर साइड सीट को एडजस्ट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि जो लेग स्पेस है वो कितना अच्छा हो गया है और जो हमारा हेडरूम है वो भी डिसेंट अमाउंट में हमें देखने को मिल जाता है। अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है और रिक्लाइन एंगल जो है वो भी अच्छा खासा दिया गया है। मुझे किसी भी तरह का बैठने में कोई इशू नहीं आएगा, इवन लॉन्ग जर्नीज में भी ईजिली जा सकती हूँ। बाकी कंफर्ट तो बहुत ही अच्छी है और अगर आपने नोटिस किया हो तो जो फ्लोर है वो काफ़ी फ्लैट सा दिया गया है, इजीली 3 लोग बैठ सकते हैं वैसे भी क्योंकि ये कार अपने सेगमेंट में वाइडेस्ट है। बात करूँ अल्ट्रोज XZ के रियर चेंजेस के बारे में तो यहाँ पे हमें AC वेंट्स दे दिए जाते हैं, इसी के साथ 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी दे दिया गया है और हमें यहाँ पे आर्मरेस्ट ऑफर किया गया है, साथ ही में जो हेडरेस्ट है वो भी एडजस्टेबल ऑफर कर दिया गया है। अल्ट्रोज XT से हमें कीलेस एंट्री का ऑप्शन मिल जाता है और इस तरह की की देखने को मिल जाती है। ये हमारा लॉक एंड अनलॉक का बटन है, ये हमारा बूट एक्सेस का बटन है और साथ ही ये फॉलो मी हेडलैम्प का ऑप्शन हमें मिल जाता है। अल्ट्रोज XZ में आपको इस तरह की मिल जाती है, साथ ही में आपको वियरेबल की भी देखने को मिल जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। साथ ही में बाकी फीचर्स जो है आपको सेम XT वाले ही देखने को मिलेंगे। अब तक इन दोनों कार्स के आप सभी फीचर्स देख चुके हैं, अब जो मेन क्वेश्चन है उसको एड्रेस करते हैं जिसके लिए वीडियो बनाई गई है कि आपको XT बाय करना चाहिए या फिर XZ। मैं कहूँगी अगर आप लोग जो हैं आपने अपना बजट डिसाइड करके रखा है, आप अपना बजट एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, आप डेफिनेटली XT के लिए जाइए, इसमें कोई भी कमी नहीं है, इसमें सारे फीचर्स मिलते हैं और बहुत ही अच्छी कार है। लेकिन इन केस आप अपना बजट एक्सपेंड कर सकते हैं और 60,000 और लगा सकते हैं तो आप डेफिनेटली XZ के लिए जाइए क्योंकि इस पर खर्चा हर एक रुपया वर्दी है। आपको किसी भी तरह की ये नहीं लगेगा कि हाँ मैंने 60,000 एक्स्ट्रा लगा के गलती कर दी, मुझे वो ले लेनी चाहिए थे, नहीं, इसमें जो फीचर्स मिल रहे हैं वो आपको 60,000 के वर्थ के मिल जाते हैं। बाकी इन दोनों के एक्स शोरूम प्राइस की बात मैं अगर कर लूँ तो यहाँ पे हमें 6,99,000 की XT मिल जाती है और 7,59,000 की हमें XZ मिल जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करिए और सब्सक्राइब किए बिना जाना तो आपको वैसे भी अलाउड नहीं है। तो अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन ड्राइव सेफ।